जिंदर साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। लक्ष्मी जी सबकी नजरों में विलन बन गई थी और आपने तो उन्हें हीरो ही बना दिया। अब कुछ बात करें, हमारी जो जोड़ी है ना एकदम हिट है, सुपर है। अगर हम दोनों साथ मिल जाए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। पता कैसी जोड़ी है वो कौन सी फिल्म थी? बंटी, बंटी और बबली, बंटी और बबली, बिल्कुल वैसे। मिसाल तो ठीक से दिया करो गुड्डन, उस पिक्चर में वो दोनों चोर थे। चोर थे तो क्या हुआ, दोस्ती के वजह से तो कामयाब होते हैं, हमेशा साथ रहते थे और बाद में दोनों में प्यार भी हो जाता है। उस पिक्चर में बबली सीधा चलती थी, पहले उतना तो सीख लो। ओके पिक्चर में बबली सीधा चलती थी, कभी गलती से भी कुछ अच्छा नहीं निकल सकता ना इनके मुंह से। हमारे लिए हमेशा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। निकल जाओ यहां से, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैंने क्या किया बुआ जी? क्या किया? तुम इतने सालों से इस घर में हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां नहीं? इस घर की बहू का वीडियो पूरा शहर देख रहा है, झूठा हो या सच्चा, बदनामी तो जिंदल खानदान की हो रही है ना। फिर भी इसकी बहुओं को कोई कुछ नहीं कहेगा। हम कहते हैं बात यहां तक पहुंची ही कैसे तुम्हारे और भाभी के होते हुए? तुम तो बड़ी समझदार बनती हो ना, उस कुत्तन के सामने किसी का कुछ क्यों नहीं चलता, क्यों सब कमजोर पड़ जाते हैं उसके सामने? दफा हो जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल और इस नाश्ते को लेकर नहीं खाना हमें कुछ भी। जाओ। और जाते जाते दरवाजा बंद कर लेना। बुआ जी ने जो कहा वो सारी बातें सुन ली है मैंने, और देखा जाए दुर्गा दी तो बुआ जी गलत नहीं कह रही है। हम लोग ने इतना कुछ कर लिया पर क्या हुआ, गुड्डन हमेशा पास होती रही और हम दोनों फेल। मानो या ना मानो दुर्गा दी, हम लोग गुड्डन के आगे बहुत कमजोर हैं। मतलब कितनी कोशिशें कर ली, कितनी सारी चीजें कर ली उस गुड्डन को बाहर निकालने के लिए, यहां तक कि मैंने उस वीडियो में लक्ष्मी दी की शक्ल बदल दी, पूरे इंदौर में वायरल कर दिया नकली वीडियो। पर क्या हुआ, हार हमारे ही हाथ लगी और गुड्डन सासू मां जीत गई फिर से। करे समझ में ही नहीं आ रहा है।
हाथ जल रहा है, पागल हो गई हो क्या? छोड़ो दुर्गादीप, अरे हाथ जल रहा है मेरा। पागल नहीं हुई हूँ मैं, तुम्हारी आंखें खोल रही हूँ। तुम आपको समझती क्या हो? तुमने कैसे सोच लिया कि इतना बड़ा प्लान तुम अकेले पूरा करोगे? बेवकूफ कहीं की, अपने साथ किसी दिमाग वाले इंसान को लिया होता ना तो गुड्डन के सामने ऐसे हारती नहीं तुम। और वैसे भी मुझसे दिमाग वाला और इंसान है ही कौन जो तुम्हारा साथ दे? दुर्गादीप, मैं इसीलिए आपके पास आ रही थी। मुझे मालूम है कि मैंने गलती की है। देखिए, अब हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। चुप। अरे एकदम चुप कर लिया अपने दिमाग का इस्तेमाल? कर लिया बंटाधार जो कर सकती थी? अगर अभी भी तुम्हारी गलतियों का एहसास तुम्हें है तो तुम ठीक वैसा ही करोगी जैसा मैं तुम्हें कह रही हूं। और अगर तुमने सब कुछ मेरे कहने के हिसाब से किया तो उस गुड्डन की ऐसी बेइज्जती होगी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और तो और, सारा इल्जाम उसकी वो दोस्त लक्ष्मी थी। बिल्कुल सही, लक्ष्मी बहू पर आएगा। एक सच, सिर्फ एक सच, गुड्डन की जिंदगी में ऐसा तांडव करेगा कि वो संभल नहीं पाएगी। उस गुड्डन की वजह से बुआ जी मुझ पर बरस रही थी ना, मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रही थी ना, अब मैं उन्हें दिखाऊंगी ये दुर्गा जिंदल कौन है और क्या कर सकती है। लक्ष्मी दी, इतना सब कुछ हो गया बाहर, आप ठीक है ना? सरु, तुम्हें किस बात की फिक्र? और मैं ठीक क्यों नहीं होंगी? वो वीडियो कौन सा असली था? अरे ये तो एजे की पिंक शर्ट है ना, और इसमें लिपस्टिक के मार्क, दिखाओ। एजे की शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कैसे आ सकता है? लक्ष्मी, ये कैसा बेवकूफों वाला सवाल है? एजे का शर्ट है तो निशान गुड्डन की लिपस्टिक का ही होगा, और किसका होगा? हाँ, पर वो क्या लक्ष्मी दी? तुम्हारे कहने का मतलब है उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है क्या? लक्ष्मी दी, आप ये कहना चाहती है कि एजे का चक्कर बाहर कहीं चल रहा है? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है सर। हाँ तो बस, मतलब तो साफ है फिर, ये निशान गुड्डन के लिपस्टिक का ही है। हाँ, और लक्ष्मी, तुम्हारी दोस्त तुम्हें सब कुछ खुलकर बताती है ना? मतलब उसका उसके पति के साथ रिश्ता कितना गहरा है, ये सब बताती है ना? चलो अच्छी बात है, एजी का रिश्ता कम से कम आगे तो बढ़ा है ना सर। हाँ दुर्गा दी, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिंदल सबके कहने पर बस नींबू पानी पिए जा रहे हैं, चौथा ग्लास है पर फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा। फिर भी कुछ क्या सासु माँ? सासु माँ, आराम से। अरे दुर्गा दीप, सासु माँ आप ठीक है ना? आराम से, आप ठीक है ना? मुझे मैं कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, सब कड़वा कड़वा लग रहा, बस नींबू पानी अच्छा लग रहा। दुर्गा दी,
मुबारक हो, असर हो रहा है। माफ कीजिएगा, हम यहाँ पर आपकी मदद करने आए थे। कोई बात नहीं, हम आराम करते हैं। सरू, एजे की शर्ट पे ये लिपस्टिक का निशान, फिर ये गुड्डन का ऐसे उल्टियां करना, कुछ तो बात जरूर है। दुर्गा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ गुड न्यूज सुनाने वाली हूँ? अगर सच में ऐसा हुआ ना दुर्गा दी, तो हम लोग ना सब कुछ भूल कर ना पार्टी करेंगे। हाँ। है ना? अब वैसे तो बहू को गुड न्यूज देनी चाहिए, पर ठीक है अगर सासू माँ दे रही है तो। पर दुर्गा दी, हम करेंगे क्या तैयारियां? पर सरू, गुड्डन की पसंद नापसंद के बारे में हम तो कुछ नहीं जानते ना। हाँ, शायद लक्ष्मी जानती होगी। लक्ष्मी दोस्त है ना गुड्डन की, है ना लक्ष्मी? क्या सच में ऐसा संभव हो सकता है? एक मिनट, मैं आपको कॉल बैक कर दूं। गुड्डन, क्या हुआ? क्या हुआ, तुम ठीक हो? अरे बोलोगी, ठीक होगी नहीं, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है। इसे ठीक कहती हो तुम? गुड्डन, तुम्हें डॉक्टर के पास चलने की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारे घरेलू नींबू पानी वाले नुस्खे काम नहीं कर रहे। डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं वो जाते हैं इंजेक्शन लगा देगा, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं प्लीज डॉक्टर। जरूरी है क्या कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन ही लगाएगा? हाँ। नहीं, हो सकता है चेकअप करने के बाद तुम्हें एक दवाई दे दे। नहीं देगा वो, इंजेक्शन ही लगाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। पर क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? आप कैसे करेंगे? सिट, मैंने कहा बैठो। क्लिनिक खोल के रखा है? एक मिनट, आपको वो जैसे वो खुफिया पुलिस होती है वैसे खुफिया डॉक्टर तो नहीं है? गुड्डन, हर बात पे इतनी बकबक करना इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है तो थोड़ा चुपचाप रहो ना। क्या कह? मुझे चेक करने दो तुम्हारा बीपी, फीवर, शुगर वगैरह। इतना कुछ क्यों चेक करना? अगर तुमने मना किया गुड्डन, यहाँ देखो मैंने कहा। नहीं, हमें बहुत डर लगता है, प्लीज नहीं, इंजेक्शन नहीं। गुड्डन, मैंने कहा यहाँ देखो तो ये होगा तुम्हारा फाइनल इलाज। समझ में आया? क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। सासू माँ की तबीयत बहुत खराब थी, अब वो उल्टियों पे उल्टियाँ किए जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, तो इसीलिए आपको सत्संग के बीच से बुला लिया मैंने। हाँ, काश जो मैं सोच रही हूँ वो सच ही हो, पर लल्ला और गुड्डन का रिश्ता अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचा कि दोनों ये खुशखबरी मुझे दे। नहीं नहीं, जरूर कोई और बात होगी। दादी, इतनी भी दूरियां नहीं, आप देख रही हो ना आजकल सासू माँ और एजी एक दूसरे की बात नहीं काटते बल्कि एक दूसरे का साथ देते हैं। इसलिए कह रही हूँ दादी, हो सकता है। और आपको याद है कैसे एजी ने सासू माँ को मंगलसूत्र पहनाया था और उनके साथ साथ दक्षिण लिए थे? और दादी, सासू माँ भी तो एजी को अपना दोस्त ही मानती है ना? हाँ, तो क्या पता जो आप सोच रही हो और जो मैं कह रही हूँ वो दोनों सच हो। हाँ, एक काम करते हैं, हम चलते हैं और सासू माँ से बिल्कुल सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि क्या है। ना करे, जो तू कह रही है ना वो सच हो। शुक्र अगर एक
इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। कौन सा बंधन है तुमसे और कौन सा रिश्ता है, कभी गैर से लगते हो कभी लगते अपने सब कुछ तो नॉर्मल है। फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। किसानों में डॉक्टर के पास हमें पता तो चल गया सब कुछ नॉर्मल है। नहीं गुड्डन, एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है नहीं। मेरी तसल्ली के लिए देखो, नहीं तो मुझे माँ को सब कुछ बताना नहीं, 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 नहीं। दादी को कुछ नहीं बताएंगे हम चलेंगे डॉक्टर के पास। इतना खून निकाल दिया, आप भी डॉक्टर के पास जाएंगे। दादी देखा आपने कैसे आपका नाम सुनते से सासू डॉक्टर के पास आने के लिए तैयार हो गई। हाँ मतलब दादी आपको कुछ भी बताने से पहले वो लोग डॉक्टर से खबर पक्की करना चाहते हैं। दादी अब मैं सोच रही हूँ सासू माँ से क्या ये पूछूं, मुझे तो लगता है कि हमको ना जश्न की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वाह दुर्गा दी आज तो कमाल हो गया, आपका एक आइडिया क्या कमाल कर दिया, देख रही हैं आप। आप तो उस्ताद निकली, मतलब आपकी एक गोली एक लिपस्टिक का मार्ग धूम मचा देगा। जरूर, एक हाथी से तांडव करवाने के लिए ना एक छोटी सी चींटी भी काफी होती है। ये झूठी अफवाह एजे और गुट्टन का सारा सच सामने लाएगी। और मजे की बात तो ये है कि ये सब बुआ जी के सामने होगा। मुझे तो इंतजार है तो बस शाम का। अंधेरा क्यों है इतना? बिजली का बिल तो भरा था ना? लाइट का स्विच बंद होगा, मैं देखता हूँ। वैसे तो हम सब जानते हैं, इसलिए तैयारियां हमने पहले से करके रखी। लेकिन सासू माँ ये गुड न्यूज मैं आपकी मुझसे सुनना चाहती हूँ। गुड न्यूज? हमने जब से इस घर में कदम रखा है ये पहली अच्छी खबर है। तेरी पत्नी से, इस घर की सास से चाहे हमें लाख शिकायतें हो पर आज खुशखबरी सुनाकर दिल खुश कर दिया गुड्डन बहू ने। अब हमें गुड्डन बहू से कोई गिला शिकवा नहीं है। समय लगेगा, धीरे धीरे सीख जाएगी और अगर नहीं सीखी तो हम सिखा देंगे। वैसे तो लक्ष्मी बहू ने हमें सब कुछ बता दिया, फिर भी लल्ला हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। बुआ जी, I'm really sorry, पर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मुझे बताइए क्या हो रहा है। हम सब आपके लिए बहुत खुश हैं, इतने सालों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। हमारे लल्ला का यानी इस घर का वारिस आ रहा है।